जय त्रिकाल के। बोल, तुझे मेरी खुशी चाहिए या मेरी लाश? और तू मेरे बरतों की भक्ति की लाज रखेगा या अपने भगत को मौत देगा? बोल। ये आग मैंने तेरे नाम की जलाई है और इसे अपने खून के कतरों से ठंडा करूंगा। तूने हमेशा मेरी बलि की लाज रखी है, मेरी इच्छाओं को पूरी की है। आज भी मेरी इच्छा पूरी कर दे। दोनों नाक और नाखून को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। इच्छाधारी नाग और नागन मिल गए महाराज। अगर ये बात झूठी थी तो मैं तेरी आंखें फोड़ूंगा। त्रिकाल देव की कसम, मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से इंसानी रूप धारण करते हुए देखा है। जय त्रिकाल देव, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं उन दोनों को अपने वश में कर लूंगा। नाग और नागिन तो बड़े जहरीले होते हैं महाराज। तुम लोगों ने अखौरी की शक्ति को पहचाना नहीं। इस दुनिया में इंसान की सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन अखौरी की सृष्टि शैतान ने की है। 1000 शैतानों को मारकर शमशान घाट में जलाकर एक राख तैयार किया गया। उस राख को 1000 चिपकलियों के खून में घोलकर एक पुतला तैयार किया गया और उस पुतले को मगरमच्छ के खाल से ढक दिया गया और इसके हाथों और पांव में उंगलियों की जगह बिच्छू के डंक लगा दिए गए और इसके बाद अघोरी पैदा हुआ। जगो। नागों के जहर से जो जहर बनता है, अघोरी के जिस्म में वो जहर भरा है। इस दुनिया का सबसे जहरीला इंसान हूं मैं, अघोरी हूं मैं। चलो सब।
कुछ हारा हो प्यार की एक नजर से मेरा सब कुछ चूले बाजे मिलन के जाओ तलाश करो। अच्छा महाराज, चलो 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 चलो